पिचा कोता दे बाग बाग विचा मटन बटन दई ना मटन कोता दे ने कंडा रखी छे दिया ए अरे रोक रे ये हम करे ये हम ले गए ए घर वगैरह आए वो पई असा जो डठा पे तुम ऐसो पे सामने उन वजह से अस पानी की ढी कमी है मन ए पक्की पंजण वो जीत जानवर सब अस मन बोरान है पानी जो सफा बोरान है तमाम उन वजह से अवान अर्ज करूँ था असो अर्ज मनो तो पानी की जो है जो अस पानी वधाए दो अब जैसे हमारी मिर्च थी 3 साल के अंदर अंदर जो 80% पूरे मुल्क का पैदा करता था आज अगर 3 साल पहले जो थी उसका आज इस करंट ईयर का मैं बता रहा हूँ कि 20% भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ इससे भी कम है लेकिन जो लगाई है लोगों ने उसको भी इस तरीके से अभी ट्रांसप्लांट किया है मिर्च को कि पता नहीं होगी या नहीं होगी तकरीबन वो 200 एकड़ के करीब वो बाग वहाँ लगाया एक महीने के बाद पानी आता है लेकिन वो जो पहले पानी आया वो भी पूरा पानी नहीं मिल सका टेल वालों को जिसकी वजह से आपने वो देखा होगा कि बाग जो हैं वो सूख रहे हैं फालसे लेमन और ये सब सूख रहे हैं और आम जो है उसका बिल्कुल साइज़ इस साल बना ही नहीं है हमारे इलाके की सिंधड़ी जो वैरायटी है आम की ये बहुत मशहूर है और ये पाकिस्तान में भी बड़ी पसंद की जाती है और एक्सपोर्ट में सिंध से जो आम एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड वो सबसे ज़्यादा सिंधड़ी है अस्सलाम वालेकुम जुनूबी पंजाब से शुरू हो जाएं और शुमाली सिंध से लेके पूरा सिंध इस वक्त शदीद पानी के कहत का शिकार है यानी पीने का पानी मयसर नहीं है क्यों हमारे पेरिनियल रिवर सिस्टम में पानी नहीं है पानी क्यों नहीं है इसलिए कि हमें दरियाओं में पानी कम मिला बारिशें कम हुई अब हमें ये चीज़ें महसूस होनी शुरू हो गई हैं इसका इदराक हम अल्फाज तक करते थे हम ये कहते थे कि कराची डरबन बन सकता है तो ये ख़दशा है कि कराची डरबन बन सकता है अब इसके प्रैक्टिकल पहलू जो है हमारे सामने आने शुरू हो गए सिर्फ और सिर्फ बात कर देने से नहीं होगा बल्कि उसके लिए अमली इस वक्त मुआश इसके लाइवलीहुड
और इस वक्त लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही, इमर्ज कर रही है। अगर इसको इसी वक्त नहीं एड्रेस किया गया तो ये बहुत बड़ा एक डिलेमा की शक्ल में आ सकती है। आपने मुख्तलिफ जगहों पे फेमीन का नाम सुना होगा, कहत होता रहा है। जैसे अभी हमने कोविड से हम निकले हैं और अब हम कहत में चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा।